तो दोस्तों जब आप अपने YouTube का बैनर बनाते हैं तो उस समय एक सवाल आता है कि आप यार इतना अच्छा बैनर हम कैसे बनाएं जिसमें हम अपनी फोटो भी डाल सकें। और मैं आपको एक सैंपल दिखा दे रहा हूं कि इस तरह का बैनर आप बना सकते हैं अपने खुद के मोबाइल के अंदर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी खुद की फोटो लगी हुई है, यहाँ पे आपके चैनल का नेम लिखा हुआ है और आप इसके अलावा भी और भी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं और डाल सकते हैं। और प्रॉपर जो है चैनल में जैसा अपलोड होती उसी पिक्सल के साइज में आपको चाहिए है, तो उसके लिए मैं आपको ऐप बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको जाना है अपने पिक्सल लैब नाम के ऐप में, और इसमें जो कटी हुई फोटो बीच में आ रही है वो आपको कैसे डालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले तो ये देख सकते हैं हमारा ये वैसा एज इट इज़ यहाँ पे आ चुका है। और इसके अलावा हम इसको जो है थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, छोटा साइज कर देते हैं, क्योंकि ये जो है चैनल में काफ़ी बड़ा लग रहा था और हमें यहाँ पे फोटो भी डालना है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर देते हैं। और इसको इसके अलावा हम इसको भी इस थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसके हिसाब से, और इसको हम सेट कर देते हैं साइड में। और इसके बाद में बात आती है अब हमें लगानी है अपनी फ़ोटो यहाँ पर, तो उसके लिए आपको करना ये होगा प्लस पे क्लिक करिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं आपकी जो खुद की फ़ोटो है उसको क्रॉप करना चाहते हैं, मतलब बैकग्राउंड उसका हटाना चाहते हैं जो फ़ोटो आपने क्लिक करी है, उसके लिए आपको ये ऐप यूज़ करना है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आके आप देख सकते हैं इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको अपनी फ़ोटो एक सिंपली यहाँ से उठानी है, और उस फ़ोटो को उठाने के बाद में जो है आप उसको क्रॉप कर लीजिए, उसका बैकग्राउंड वहाँ से हटा दीजिए। सपोज़ मैंने ये फ़ोटो ली है, मैं आपको एक सिंपल दे दे रहा हूँ, और इसके बाद में डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वहाँ से जाके आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ से एक हमने इसको पहले तो यहाँ से सेट कर दिया कि हमें कितना फ़ोटो यहाँ से चाहिए, उसके बाद में डन क्लिक कर दिया। अब बात आती है बैकग्राउंड चेंज करने की, तो हमने ऑटो पे क्लिक कर दिया, और इसके बाद में यहाँ से आप इसको इस तरह से ऑटो को यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑटो में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बैक करिए, और नहीं तो मैनुअल से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको प्रॉपर समझने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया वहाँ से जाके दे सकते हैं। ऐप का नाम है इरेजर ऐप। और इसके बाद में जब ये फ़ोटो इस तरह की आपकी रेडी हो जाएगी और उसके बाद में स्टोर हो जाएगी, तो आपको उठाना है सिंपली उठा के अपने पिक्सल लैब ऐप में जो चैनल का बैनर बना हुआ है वहाँ पे डालना है। तो फ्रॉम गैलरी में हम ब्राउज करते हैं प्लस जाके और गैलरी पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद में हम जाते हैं एल्बम में, और एल्बम में जाने के बाद में नीचे यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया होगा जो कि इरेजर नाम से, क्योंकि इरेजर नाम के ऐप में ही हमने इसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमने ब्राउज कर लिया है और इसको राइट पर क्लिक कर दिया है, और इसके बाद में इसको हमने जो है चैनल बैनर के लिए इसको आराम से छोटा करना है हमें, तो हमने इस तरह से इसको जो है स्मॉल कर लिया है जो कि उस साइज़ में बैनर के अंदर प्रॉपर बैठ जाए, और इसके बाद में इसको यहाँ पे रख दिया है। और इसके नीचे आप अपना नेम डालना चाहें तो प्लस पे क्लिक करिए और टेक्स्ट पे लिखिए, टेक्स्ट में जाके और यहाँ पे अपना नेम लिख लीजिए इसमें, इस तरह से अपना नाम लिख लीजिए, और उसको भी जो है स्मॉल कर लीजिए और उसका कलर चेंज कर दीजिए जैसे प्रॉपर, ताकि वो आपका वहाँ पे दिख सके। इसके बाद में कलर उसका डाल देते हैं, और उसके बाद में उसमें अगर एक पीछे बैकग्राउंड हो तो और अच्छा, नाम आपका हाईलाइटेड दिखेगा तो हम उसको हाईलाइट भी कर देते हैं, और उठा के उसको रख देते हैं इधर पे। और इसको क्योंकि ये अभी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो उसको हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं, और अब ये प्रॉपर हो चुका है। इस तरह से आप इसको सेट कर लिए। सेट करने के बाद में यहाँ पे जाके आप सेव इमेज है इसमें करके और सेव इमेज कर सकते हैं। साइज़ आपका प्रॉपर वही साइज़ है जो कि आपका बैनर में लगना है। इस तरह से आप इसको यूज़ करिए, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए टेक विला में, स्टे रॉक।